Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sky Alliance. Before starting current MCQs of 8th February, हम कल के home assignment को पहले discuss करेंगे. आपका कल का question था, recently who appointed as Chief Secretary of Tamil Nadu? अभी हाल ही में किनको appoint किया गया Chief Secretary के post पे Tamil Nadu के? आपके option है, option A Rajiv Ranjan, option B K Shanmugam, option C Bunwarilal Purohit, option D none of these. इसका correct answer है option A Rajiv Ranjan. Rajiv Ranjan जो कि senior IAS officer है 1985 batch के Tamil Nadu cadre के, उनको appoint किया गया Chief सेक्रेटरी के पोस्ट पे तमिल नाडु के, क्योंकि जब रिटायर हो गया था इनकम्बेंट के सनमुगम. अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो बनवारीलाल पुरोहित जो है ये गवर्नर है तमिलनाडु के और तमिलनाडु का सीएम है थिरु इडप्पी के पलानी स्वामी. नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू ऑफ 8 फरवरी. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड द बुक टाइटल यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर. किसने ऑथर किया बुक जिसका टाइटल है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर. आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पवन सिलाल, ऑप्शन बी पद्म पानी बोरा, ऑप्शन सी अर्जुन सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पवन सिलाल. पवन सिलाल का न्यू बुक है जिसका टाइटल है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, जो कि प्रोवाइड करता है डिटेल्स हम लोग को जो राइज और फॉल हुआ था वन ऑफ द इंडिया प्रोमिसर बैंकर राणा कपूर के बारे में. और ये क्वेश्चन करता है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, इसके रेगुलेटर और बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर, जिस कारण फॉल हुआ था यस बैंक का. इस बुक को पब्लिश किया गया है हार्पर कॉलिंस के द्वारा. अब जो आपका ऑप्शन था पद्म पानी बोरा, इनके द्वारा ऑथर किया हुआ बुक का टाइटल है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम. अर्जुन सुब्रमण्यम, इनके द्वारा ऑथर किया हुआ बुक का टाइटल है फुल स्पेक्ट्रम इंडियन वार्स 1972 to 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. किनको अपॉइंट किया गया है सीईओ के पोस्ट में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के. आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंदु भूषण, ऑप्शन बी राम सेवक शर्मा, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राम सेवक शर्मा. राम सेवक शर्मा आर एस शर्मा जो कि फॉर्मर चेयरमैन है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनको चार्ज दिया गया है सीईओ के पोस्ट का नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का इंडिया के. आर एस शर्मा रिप्लेस करेंगे जो आउटगोइंग सीईओ है इंदु भूषण को. एनएचए एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को. आर एस शर्मा सर्व कर रहे हैं चेयरमैन के पोस्ट में ट्राई के फ्रॉम 10 अगस्त 2015 से 30 सितंबर 2020 तक. अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी सक्सेसर है नेशनल हेल्थ एजेंसी का, जो कि फंक्शन कर रहा था एक रजिस्टर सोसाइटी के तौर पर सिंस 23 मई 2018 से. इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया था 2 जनवरी 2019 में. इसके सीईओ आर एस शर्मा है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है. अमिताभ कांत जो आपका ऑप्शन था ये सीईओ है नीति आयोग के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अप स्किलिंग फॉर शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय होम. अप स्किलिंग फॉर शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट जो है इसको किनके द्वारा रिलीज किया जाता है. आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आईएलओ, ऑप्शन बी आईएफपीआरआई, ऑप्शन सी डब्ल्यूईएफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डब्ल्यूईएफ. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो था अप स्किलिंग फॉर शेयर प्रोस्पेरिटी जनवरी 2021, जिसको कि रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इन कोलेबोरेशन विद प्राइस वाटर हाउस कूपर इन्वेस्टमेंट, इन अपस्किलिंग जो है वो बूस्ट कर सकता है ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को 6.5 ट्रिलियन US डॉलर तक बाय 2030 तक. और ये इसका पोटेंशियल है कि ये बूस्ट कर सकता है इंडिया के जीडीपी को 570 बिलियन US डॉलर तक 2030 में. अपस्किलिंग का पोटेंशियल है कि वो क्रिएट करेगा 5.3 मिलियन न्यू जॉब्स को 2030 तक. और ये जो है मदद करेगा मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी में. इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था डब्ल्यूईएफ के जो डाइवर्स एजेंडा 2021 का था, उस दौरान प्रॉपर अपस्किलिंग और रीस्किलिंग इनिशिएटिव के मदद से इंडिया के पास कैपेसिटी है कि वो अपने जीडीपी को इक्विवेलेंट कर सकता है 6.8% टोटल जीडीपी का. अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्लॉस स्क्वाब है, हेडक्वार्टर इसका कोलोगनी स्विट्जरलैंड पे है. आईएलओ इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा रिलीज किया हुआ रिपोर्ट है आपका वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट आईएफपीआरआई, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा रिलीज किया हुआ रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ 2021 एशियन इंडिया हैकाथॉन. किसने एड्रेस किया है इनॉग्रल सेशन को 2021 का एशियन इंडिया हैकाथॉन का. आपको ऑप्शन है ऑप्शन ए थावरचंद गहलोत, ऑप्शन बी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक.
जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने एड्रेस किया है इनॉग्रल सेशन 2021 के एशियन इंडिया हैकाथॉन का। एशियन इंडिया हैकाथॉन 2021 को लॉन्च किया गया था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एशियान के साथ इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया के। जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे वो 10 एशियन कंट्रीज थे, तो 10 एशियन कंट्रीज है वो कौन कौन से है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम और इंडिया। अब जो दो ब्रोड थीम था इसका वो था ब्लू इकोनॉमी और एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 1000 एशियन पीएचडी फेलोशिप जो कि एक्सक्लूसिवली एशियन सिटीजन्स के लिए है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था 2020 का इंडिया का, ये ओपन अपॉर्चुनिटी दे रहा है होल वर्ल्ड को। ये हैकाथॉन जो है वो इनेक्ट करेगा 6 फंडामेंटल वर्च्यू हमारे सिविलाइजेशन के, रेस्पेक्ट, डायलॉग, कॉपरेशन, पीस, प्रॉस्पेरिटी और इनोवेशन को। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एशियान इसको जो चेयर कर रहे हैं 2021 में ब्रूनी जेरूसलम, थीम जो है एशियन चेयरमैनशिप का वी केयर वी प्रिपेयर और वी प्रॉस्पर। इसके सेक्रेटरी जनरल है एची टटो लिम जोक होई 2018 से 2022 के लिए, हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता इंडोनेशिया पे। अब जो आपको ऑप्शन था थावरचंद गहलोत, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलेंस रैंकिंग विच कंट्री इज इन टॉप पोजिशन। जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलेंस रैंकिंग है उसमें कौन सा कंट्री टॉप पोजिशन पे है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस इंडेक्स है उसमें जर्मनी जो है वो टॉप स्पॉट में है, साउथ कोरिया थर्ड स्पॉट में है और इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट रेसिलेंस इकोनॉमी है 2021 का टॉप 10 लीडिंग इकोनॉमीज में, क्योंकि इसने शोकास किया था स्ट्रांग रिकवरी इंडिया के इकोनॉमी को पोस्ट कोविड 19 इरा पे। इसके इंडिकेटर के बारे में हम जान ले, ये बेस्ड है 5 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर पे, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट, करेंट अकाउंट बैलेंस, जनरल गवर्नमेंट नेट लेंडिंग व बोरोइंग, ग्रॉस डेट टू जीडीपी रेशियो। अब पीएचडीसीसीआई पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है। जर्मनी के चांसलर जो है एंजेलिना मार्केल है, साउथ कोरिया का पीएम हुंग ये क्यून है, कैपिटल सियोल, करेंसी साउथ कोरियन वॉन, इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेपाल अवार्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ 629 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू होम। नेपाल ने अवार्ड किया कंस्ट्रक्शन 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किनको, आपके ऑप्शन है सेल, ऑप्शन बी हेल, ऑप्शन सी एसजेवीएल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एसजेवीएल, एसजेवीएल को दिया है। जो 46 मीटिंग था इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल जिसको कि शेयर किया गया था नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के द्वारा, तो उन्होंने इस दौरान अवार्ड किया था कॉन्ट्रैक्ट जो कंस्ट्रक्शन का था 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इंडिया के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। ये जो प्रोजेक्ट है वो अवार्ड किया गया था एसजीवीएन को जब उसने सक्सेसफुल इंटरनेशनल कंपटीशन बिडिंग को फुलफिल किया था। लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा रिवर अरुण पे जो कि सिचुएटेड है सखवा सभा एंड भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न नेपाल पे। ये जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अंडर बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट मॉडल पे जिसका कॉस्ट जो है वो अराउंड 860 मिलियन यूएस डॉलर है। ये कैपेबल है जनरेट करने के लिए अराउंड 3561 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर एनम। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे। तो नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपालीस रूपी, एसजेवीएन इसके चेयरमैन एनएल शर्मा है, हेडक्वार्टर शिमला हिमाचल प्रदेश में है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडियन स्टेट ओन स्टील मेकिंग कंपनी है जो कि न्यू दिल्ली पर बेस्ड है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ओन्ड और ऑपरेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके सीईओ सोमा मोंडल है, फाउंड किया गया था 19 जनवरी 1954 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली पे। हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये इंडियन स्टेट ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया पे है। ये गवर्न किया जाता है अंडर मैनेजमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसके फाउंडर वालचंद हीराचंद है, फाउंड किया गया था 23 दिसंबर 1940 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च टू स्कीम नेमली प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरव। अभी हाल ही में किस स्टेट ने लॉन्च किया है दो स्कीम जिसका नाम है प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव को, आपके ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी असम। असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है दो स्कीम
जिसका नाम है प्रज्ञान भारतीय भाषा गौरव स्टेट में। इस स्कीम के अंतर्गत मॉनिटरी असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेज स्टूडेंट और लिटरेरी बॉडी को स्टेट के। ऑब्जेक्टिव है इसका इनकरेज करना यंग जनरेशन को कि वो स्ट्राइव करे नॉलेज के लिए थ्रू एजुकेशन के द्वारा, और ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंट राइडर को और इंडिजिनस सहित सभा को प्रज्ञान भारती। अंडर दिस स्कीम अराउंड 3,26,046 कॉलेज स्टूडेंट को दिया जाएगा INR 1500 ईच फॉर परचेजिंग न्यू टेक्स्ट बुक। जो टोटल है इसके लिए 161 करोड़ इंडियन नेशनल रूपी रिम्बर्स किया जाएगा फ्री एडमिशन लेके 4 लाख एलिजिबल स्टूडेंट का। और भाषा गौरव जो है इस स्कीम के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा 21 साहित्य सभा लिटरेरी बॉडीज जिसका लागत 43 करोड़ INR है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो 600 राइटर को अभी तक 50,000 INR डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इस स्कीम के अंतर्गत। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल है, असम के गवर्नर जगदीश मुखी, केरला के सीएम पिनारई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। अभी हाल ही में किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्चुअली लॉन्च किया है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को, जिसका मकसद है प्रोवाइड करना 100% पोर्टेबल वाटर सप्लाई सारे रूरल हाउस होल्ड को स्टेट में बाय मार्च 2022 तक। चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम को भी, जो कि कवर कर रहा है 85 विलेज को मोगा डिस्ट्रिक्ट के, और 144 न्यू वाटर सप्लाई स्कीम को जो कवर करेगा 172 विलेज को, 121 आर्सेनिक एंड आयरन रिमूवल प्लांट को। ये जो स्कीम है वो फंड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की मदद के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नबार्ड और स्टेट बजट के माध्यम से। चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया न्यू लार्ज मल्टी विलेज सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम जो कि कवर करेगा 85 विलेजेस को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह है, गवर्नर वीपी सिंह बदनौर, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑथर द बुक टाइटल द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। किसने ऑथर किया बुक जिसका टाइटल है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट को? आपका ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी सीए वी पटाभीराम, ऑप्शन सी दलाई लामा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दलाई लामा। His Holiness the 14th Dalai Lama, उन्होंने ऑथर किया है न्यू बुक जिसका टाइटल है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इस बुक को एडिट किया गया है रेणुका सिंह के द्वारा और पब्लिश किया जा रहा है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ऑथर किया हुआ बुक का टाइटल है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, और जो सीए बी पटाभी राम है इनके द्वारा ऑथर किया हुआ बुक का टाइटल है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्रिप्टोडैक्टाइलस अरुणाचलेंसिस न्यू स्पीसीज ऑफ गेको डिस्कवर फ्रॉम विच स्टेट। जो क्रिप्टोडैक्टाइलस अरुणाचलेंसिस न्यू स्पीसीज है गेको का, इसको डिस्कवर किया गया किस स्टेट से? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जो टीम ऑफ रिसर्चर्स है 5 इंस्टीट्यूट के, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यू स्पीसीज गेको का अरुणाचल प्रदेश से। इस स्पीसीज का नाम है क्रिप्टोडैक्टाइलस अरुणाचलेंसिस, अब तक अरुणाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया, नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि इसको यहाँ इसी स्टेट में अरुणाचल प्रदेश के डिस्कवर किया गया था। ये जो पेपर है वो न्यूली डिस्कवर गेको के बारे में पब्लिश कर रहा है इवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स के बारे में। जो क्रिप्टोडैक्टाइलस अरुणाचलेंसिस है वो बिलोंग करता है जेनस क्रिप्टोडैक्टाइलस को, जो कि कॉमनली जाने जानते हैं बेंट टॉइड गेकोज के नाम से। ये जो गेकोज है वो नॉक्टर्नल है, एक्टिव होता है नाइट के समय पे और स्लीप करता है डे के टाइम पे। ये पाए जाते हैं रॉकी एरियाज में अंडर कल्वर्ट में। इनका जो अपीयरेंस है ग्रुप का वो सिमिलर है, इसी कारण क्लोज ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस स्पीसीज को, और कंपेयर करना पड़ता है इनके डीएनए सीक्वेंस को ताकि कंफर्म किया जाए इनके आइडेंटिफिकेशन को। ये चौथा न्यू रेप्टाइल स्पीसीज है जो कि डिस्कवर किया गया टीम के द्वारा एक्सपेडिशन में अरुणाचल प्रदेश के जून से अगस्त 2019 में, जिसका मकसद था स्टडी करना अनडॉक्यूमेंटेड बायोडायवर्सिटी स्टेट का। अब जो अडल डिस्कवरी हुआ है इस टीम के द्वारा वो है आपका टाइमेसरस सलाजर अब पीट वाइपर स्पीसीज, जिसका नाम जो था कैरेक्टर सलाजर फ्लाइट्रिन के नाम पे हैरी पॉटर एंड प्राइसल एप्थली के नाम पे रखा गया है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो असम का सीएम सर्बानंद सोनोवाल है और गवर्नर जगदीश मुखी, आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, गवर्नर सुश्री अनुसुईया UK,
ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का. विच कंट्री लॉन्चेस स्टार 10 1.0 वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल. किस कंट्री ने लॉन्च किया है स्टार 10 1.0 को, जो कि वर्ल्ड का पहला कमर्शियल रॉकेट है जो कि पावर किया गया है बायोफ्यूल के द्वारा. आपके ऑप्शन है रशिया, ऑप्शन बी यूएस, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also, you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.